वेलकम बैक फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से हम लोग समझेंगे न्यूमेरिकल रिले एच मोटर को थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन किस तरीके से देता है इसके पीछे लॉजिक क्या है स्मॉल साइज मोटर जिसका रेटिंग 100 किलोवाट से कम होता है उसके लिए हम लोग 415 सौ वोल्ट यूज करते हैं और ये नॉन माइक्रोपोसर बेस्ड ओवरलोड रिले यूज करते हैं लेकिन जैसे ही मोटर का साइज बढ़ता है 200 या 300 सौ किलोवाट से ज्यादा साइज का मोटर के लिए हम लोग को हाई वोल्टेज यूज करना पड़ता है एंड इन दैट केस न्यूमेरिकल रिले आर यूज एक सिंगल न्यूमेरिकल रिले आर्थ फॉल्ट ओवर करेंट थर्मल ओवरलोड सब टाइप का प्रोटेक्शन दे सकता है ये सारे प्रोटेक्शन का लॉजिक हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली द लॉजिक बिहाइंड थर्मल ओवरलोड नाउ थर्मल ओवरलोड रिले का लॉजिक समझने से पहले समझना जरूरी है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यूँ मोटर का ओवर करेंट प्रोटेक्शन तो रहता ही है फिर भी थर्मल ओवरलोड यूज करने का क्या जरूरत है थर्मल ओवरलोडिंग का इफेक्ट एक्चुअली लॉन्ग टर्म में पता चलता है देखो मान लो इस मोटर का स्पेसिफाइड स्पेसिफाइडर है सेवेंटी डिग्री अगर तुम इसको 85 डिग्री पे चलाओगे तो क्या मोटर तुरंत जल जाएगा ऐसा नहीं होता है नॉर्मली देखा जाता है अगर इस मोटर को जो स्पेसिफाइड लिमिट है उससे 10 डिग्री ज्यादा में हम लोग चलाएंगे तो मोटर का लाइफ आधा हो जाता है सो थर्मल ओवरलोडिंग ऑफ ए मोटर इज साइलेंट किलर जिसका इफेक्ट तुरंत नहीं पता चलता रिले प्रोवाइड थर्मलोवर टू दिस मोटर जो होता है इस एल्गोरिदम के थ्रू इस रिले में रन होता रहता है और ये प्रोग्राम चेक करता है ज्यादा हो गया तब ऑपरेटर को एक वर्निंग चला जाता है ओवर लोडिंग हो गया है अब लोडिंग कम कर लो अगर इस वर्निंग को सीरियसली लोगे तो मोटर ठीक तरीके से चलेगा वर्ना अगर हंड्रेड पहुंच गया तो मोटर ट्रिप हो जाएगा अब सवाल आता है इस मोटर का टेम्परेचर क्या है इस रिले को कैसे पता चलेगा रिले के पास मोटर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो है मोटर का करेंट जो सिटी से मिलता है मोटर कितना गर्म है मींस इसका थर्मल इमेज मॉडलिंग करता है सुनने में ये टर्म थोड़ा सा भारी भरकम लग सकता है लेकिन लॉजिक बहुत ही सिंपल है ये रिले बेसिकली करता क्या है मोटर का करेंट थर्मल कैपेसिटी और थर्मल स्टेट कैलकुलेट करता है अब ये थर्मल स्टेट या थर्मल कैपेसिटी है क्या थर्मल कैपेसिटी एक पैरामीटर है जो डिनोट करता है मोटर कितना गर्म है मोटर का जब हम लोग यूज नहीं करेंगे तब थर्मल कैपेसिटी कैलकुलेट होके आएगा जीरो परसेंट और मोटर जब फुल लिमिट में चलेगा तब टीसी होगा हंड्रेड परसेंट तो मोटर जब स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है टीसी हम लोग कितना यूज कर रहे हैं जीरो तो अवेलेबल पूरा ही होगा हंड्रेड नाउ टीसी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है रिले के अंदर जो बेसिकली एक फंक्शन है मोटर कारंट और कितना थर्मल कैपेसिटी ऑलरेडी यूज हो चुका है और मोटर का हीटिंग एंड कूलिंग टाइम कॉन्स्टेंट मोटर कितना गरम होगा वो मोटर के करंट के ऊपर तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा ही मोटर अभी कितना गरम है वो डिपेंड करेगा मोटर प्रीवियसली कितना गरम था इसीलिए मोटर प्रीवियसली कितना गरम है मतलब ये यूज्ड टीसी रिले के अंदर एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो स्टोर करके रखता है प्रीवियस हीटिंग कंडीशन क्या था क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा करंट हीटिंग कंडीशन क्या है मोटर का टीसी यूज्ड इसका कांसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा आगे चल के अभी कंसीडर करो हीटिंग एंड कूलिंग टाइम ये इसको यूज करने का इस फार्मूला में क्या जरूरत था मोटर को जब हम लोग ऑन करते हैं तब देखो कि मोटर का टेम्परेचर ऐसे एक्सपोनेंशियली राइज होता है और ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग रेट डिपेंड करता है मोटर का हीटिंग टाइम कॉन्स्टेंट के ऊपर सिमिलरली जब मोटर का लोडिंग कम होता है मोटर किस तरीके से कूल cool होगा वो डिपेंड करता है कूलिंग टाइम कॉन्स्टेंट पर सो so, इस फॉर्मूला में जो टी एच और टी सी ये दो टाइम कांस्टेंट इस रिले को हेल्प करता है एक्यूरेटली थर्मल इमेज मॉडलिंग में मोटर किस तरीके से टाइम के साथ गर्म होता है वो जानने में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो सो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ और समझ लो ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ये रिले मोटर का करंट थर्मल स्टेटस कैलकुलेट करता है उसके लिए जैसे हम लोग इस फॉर्मूला में देखे ही थे ऑलरेडी मोटर करंट और यूज थर्मल कैपेसिटी को यूज करता है सो वी गेट द करंट थर्मल कैपेसिटी ऑफ द मोटर नाउ अगर टीसी का वैल्यू 90 परसेंट से ज्यादा होगा तो एलर्म आएगा अगर 100 परसेंट हो जाएगा तो ट्रिप कर जाएगा इसके अलावा और एक कॉन्टैक्ट होता है जो रिस्टार्ट ब्लॉक के लिए यूज़ किया जाता है इस रिस्टार्ट ब्लॉक लॉजिक को बाद में समझने से समझना थोड़ा आसान होगा नाउ अंडरस्टैंड टाइम के साथ ये एल्गोरिदम कैसे रन होता है जब मान लो मोटर को हम लोग ऑन किए और मोटर 30 एम्स ले रहा है तो स्टेडी स्टेट में ये 75% परसेंट ऑफ फुल थर्मल कैपेसिटी में पहुंच गया मान लो अब अगर मोटर का लोडिंग हम लोग और बढ़ाएंगे 40 एम्स तो थर्मल कैपेसिटी 80% परसेंट यूज़ हो चुका है सो so, यहाँ पे देखो करंट थर्मल कैपेसिटी निकालने के लिए ये दो पैरामीटर यूज हुआ मोटर करंट और यूज थर्मल कैपेसिटी मोटर करंट अभी के लिए कितना है फोर्टी एम्स और यूज कितना हो चुका था सेवेंटी फाइव परसेंट तो अभी ये दोनों पैरामीटर मिला के फोर्टी एम्स और सेवेंटी फाइव परसेंट मिला के ये एटी फाइव परसेंट आया जो अभी का थर्मल कैपेसिटी है अब ये तो नाइन्टी परसेंट से कम है तो अलार्म नहीं आएगा और ट्रिप भी नहीं होगा अब कुछ टाइम बाद अगर लोडिंग हम लोग और बढ़ाते हैं तब देखो करेंट थर्मल कैपेसिटी जो है वो बढ़ के नाइनटी हो गया तो ऑपरेटर को एक अलार्म चला जाएगा कि थर्मल ओवरलोडिंग हो चुका है लेकिन ट्रिपिंग नहीं होगा क्योंकि 100% से ये थर्मल कंटेंट तो कम ही है अब अगर ऑपरेटर इस रिले का बात मानते हुए लोडिंग को कम कर लेता है तो थर्मल कैपेसिटी वापस 90% से कम में आ गया 77% में आ गया सो so, इस तरीके से थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन इस मोटर को सेफली चलाने में हेल्प किया नाउ कंसीडर ओवरलोड अलार्म के बाद भी अगर लोडिंग को हम लोग कम नहीं करते तो थर्मल कैपेसिटी 100 परसेंट से ऊपर चला जाता है और मोटर बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है सो रिले मोटर का थर्मल स्टेट को देखते हुए एक ट्रिप कमांड इशू करता है जिससे मोटर ऑफ हो जाता है और मोटर डैमेज होने से बच जाता है नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्टार्ट ब्लॉक नाउ यहाँ पे क्या हुआ था जब 100% से ऊपर चला गया था तब ये मोटर ट्रिप कर गया था अगर मान लो ऑपरेटर फिर इस मोटर को चलाने का कोशिश करता है तुरंत ट्रिप करने के बाद तब इंडक्शन मोटर का हाई स्टार्टिंग करंट के कारण मोटर डैमेज हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी मोटर बहुत ज़्यादा गर्म है और मोटर को फिर से चलाओगे तो उससे तो तो फाइव टू सेवन टाइम्स करंट फ्लो करने के कारण और गर्म हो जाएगा इसीलिए ये रिले क्या करता है एक रिस्टार्ट ब्लॉक कमांड भेजता है जिससे मोटर को ऑपरेटर गलती से भी नहीं चला पाएगा जब तक मोटर थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए सो so, ऐसे ओवरलोड में ट्रिप करने के बाद कुछ टाइम तक तुमको वेट करना पड़ेगा सो दैट मोटर नेचुरली कूल हो जाए और उसके बाद ही ये रिले अलाउ करेगा मोटर को फिर से चलाने में सो आई होप यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू मे क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स सो दैट्स ऑल फॉर नाउ मिलते हैं अगले वीडियो में